हाय गाइस, मेरा नाम कल्पेश यादव इस वीडियो के अंदर मैं स्कैनर क्रिएट करने वाला, जो स्कैनर आपको सारे के सारे स्टॉक प्रोवाइड करेगा जिन भी स्टॉक के अंदर मैं आज की डेट एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोजिंग देखने को मिली हो। जैसे कि आपको पता हो कि यहाँ पर जो पावर ऑफ स्टॉक क्यों, हमें यहाँ पर अपनी वीडियो के एंड में कुछ इंट्राडे के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं जिन स्टॉक के अंदर कुछ बुलिश स्टॉक्स होते हैं, कुछ बेयरिश स्टॉक्स होते हैं। एंड जो बेयरिश स्टॉक्स होते हैं वही स्टॉक्स होते हैं जिन स्टॉक के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोजिंग देखने को मिली होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन स्टॉक्स को फाइंड करेंगे जिन स्टॉक के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिली होगी। तो चलिए अपने स्कैनर को क्रिएट करें। सबसे पहले आपको चार्टिंग के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस होम पेज पर क्रिएट योर ओन स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको एक बार इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी कोडिंग करने वाले उस कोडिंग का कोड यहाँ कैश सेगमेंट में अप्लाई होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर से वो स्टॉक मिले जो कि निफ्टी 50 में अवेलेबल हो, तब आपको सिंपली इसके लिए कैश पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर कैश रहना है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स मिल सके। तो चलिए अपने कोडिंग को स्टार्ट करने। यहाँ पर जो आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको एक और से क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का यहाँ पर स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें सबसे पहली कंडीशन है, वो कंडीशन ये कि यहाँ पर हमें 24 स्टॉक मिले उन स्टॉक का जो प्राइस होगा और यहाँ पर हमें 200 से ऊपर देखने को मिलना चाहिए एंड 2000 से नीचे देखने को मिलना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली टाइप करेंगे क्लोज मीन्स क्लोजिंग वैल्यू, उसके बाद सिलेक्ट कर ले, उसके बाद ग्रेटर देन उसमें सिलेक्ट कर ले, उसके बाद नंबर एंड यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट 20 देखने को मिल जाता है इसकी जगह पर हम करेंगे 200। इसके बाद आपको इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो आपको ग्रेटर देखने को मिल जाता है इसकी जगह पर हम करना है लेस देन एंड यहाँ पर जो हमने 200 किया इसकी जगह पर हम कर लेना है 2000 या फिर हम कर सकते हैं 2000। अब इसके बाद हम जो कंडीशन ऐड करें वो कंडीशन होगी वॉल्यूम से रिलेटेड। यहाँ पर हमें कह रहे कि यहाँ पर जिन भी स्टॉक का पिछले 20 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 10 लाख से ज़्यादा हो वही स्टॉक यहाँ पर हमें मिले। तो इसके लिए दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे SMA जो कि एक इंडिकेटर है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको क्लोज दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज वॉल्यूम लेने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 20 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हम 20 रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर हम 20 डेज को ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ग्रेटर देन टाइप करें, उसके बाद सिलेक्ट कर लें, उसके बाद नंबर एंड यहाँ पर जो आपको 20 देखने मिल जाता है इसकी जगह पर कर लेंगे 10 लाख। अब इसके बाद हम वो कंडीशन ऐड करें जिससे कि हमें यहाँ पर से वो स्टॉक मिलेंगे जिन स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस होगा लेस देन होगा उसको ओपनिंग प्राइस से। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे क्लोज, उसके बाद सिलेक्ट कर ले, उसके बाद लेस देन, उसके बाद सिलेक्ट कर ले इसे लेस देन को, उसके बाद ओपन एंड इसे सिलेक्ट कर ले। अब इसके बाद हम जो कंडीशन ऐड करेंगे उस कंडीशन से हमें वो स्टॉक मिले जिनका जो डेली का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, मतलब कि इंट्राडे में भी वहाँ पर हमें अच्छी खासी लिक्विड देखने को मिल रही होगी। तो इसके लिए दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टाइप करेंगे वॉल्यूम, उसके बाद इस सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ग्रेटर देन सिलेक्ट कर ले, उसके बाद नंबर एंड यहाँ पर जो 20 देखने मिल जाता है इसकी जगह पर 5 लाख। अब इसके बाद हम जो कंडीशन ऐड करें उस कंडीशन से हमें वो स्टॉक मिलेंगे जिन स्टॉक का जो लो होगा वो यहाँ पर अपने लोअर बॉलिंग जब बैंड को टच नहीं कर रहा होगा, मतलब कि अभी वो ओवरशॉट जोन में नहीं गया होगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लो को टाइप करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्रेटर देन, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर ले, उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है लोअर बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर देख पाएंगे लोअर बॉलिंजर बैंड आ चुका है, इस पर क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर कर लेंगे 1.5। अब इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर लास्ट में कंडीशन ऐड करें जिससे कि हमें वो स्टॉक मिले जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोजिंग देखने को मिली होगी। एंड यहाँ पर हम जो कंडीशन ऐड करेंगे उस कंडीशन से यहाँ पर जो स्टॉक की रियल बॉडी होगी और यहाँ पर उसकी जो टोटल लेंथ होगी उससे 80% ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, मतलब कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिल रही होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ब्रैकेट का यूज़ करना है जो कि एक फंक्शन है, यहाँ से सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके हम ओपन टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट कर ले, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके माइनस सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है इसकी जगह पर क्लोज, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ग्रेटर देन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नंबर एंड यहाँ पर आपको जो बाय डिफॉल्ट 20 देखने को मिल जाता है इसकी जगह पर 0.80।
इतना करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लायर को चूज़ करना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से ब्रैकेट का यूज़ करने वाले हैं, ब्रैकेट फंक्शन का, उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें अब टाइप करना है हाई, उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद माइनस एंड उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है इसकी जगह पर कर लेंगे लो, मीन्स लो वैल्यू, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर गाइस हमारा जो कोडिंग है अब कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद सिंपली आपको इसे रन करवा लेना है। जैसे रन करेंगे यहाँ पर नीचे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर एक स्टॉक देखने को मिला है जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए इस स्टॉक को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे यहाँ पर नीचे देख पाएंगे यहाँ पर कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड, एंड यहाँ पर हमने 3 मंथ का पीरियड रखा एंड डेली रेंज है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर देख पाएंगे ये इसका बोलिंजर बैंड है, एंड यहाँ पर इसका जो लोअर बोलिंजर बैंड है इसके ऊपर हमें यहाँ पर इसका लो वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे हमें एक स्ट्रॉन्ग बियर इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जिसकी जो रेंज है वो यहाँ पर हमें 80% ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब स्टॉक की जो टोटल रेंज है हाई से लेकर लो तक की, उससे 80% ज़्यादा एरिया के अंदर हमें यहाँ पर इसकी रियल बॉडी देखने को मिल रही है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं आपके लिए किसी भी तरह का स्कैनर क्रिएट करें तब आप हमें कमेंट सेक्शन में उस स्कैनर का नाम बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस स्कैनर को बनाकर अपलोड कर देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।